Good afternoon to one and all. So let's get started with the analysis of the Indian Express newspaper dated 16th of December 2021, the Delhi edition. So on the first page, the first news which we'll be discussing is on the extreme left-hand side is Lakhimpur uproar in Lok Sabha. Opposition says sack MOS Mishra. So यहाँ पे लखीमपुर खीरी जो इंसिडेंट हुआ उसकी बात हुई है. लखीमपुर खीरी हमने फार्म बिल के नोट्स बनाए तो उसमें हमको लखीमपुर खीरी इंसिडेंट पूरा इंक्लूड करना है जो हमने डिस्कशन किया था 15th ऑफ दिसंबर का, मतलब कल का जो डिस्कशन था उसमें हमने इसको इंक्लूड किया था कि लखीमपुर खीरी इंसिडेंट क्या हुआ था. 3rd of October को दिस होल इंसिडेंट हैड हैपेंड इन लखीमपुर खीरी विच इज इन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है मिस्टर अजय मिश्रा, उनके बेटे कार में थे और ओवरऑल देयर वर 3 to 4 कार्स उनका कॉन्वॉय जा रहा था और उसी में दैट हैड लेड टू द डेथ ऑफ 8 पीपल, आउट ऑफ which 4 were farmers. So उसी की वजह से जो अपोजिशन है और जो फार्मर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मिस्टर अजय मिश्रा उनको कहीं ना कहीं उनके रेजिग्नेशन की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की गई, बट यहाँ पर उनकी तरफ से कोई रेजिग्नेशन नहीं आया और उसी को देखते हुए जो यूपी गवर्नमेंट है that was a part of the same which was doing the finding of the same कि actual में वहाँ इंसिडेंट क्या हुआ, क्या वो planned conspiracy थी या एकदम impromptu ऐसा कुछ एक्सीडेंट था, तो उसकी पूरी जांच हो रही थी. बट यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने कुछ उनके द्वारा जो रिजल्ट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा that was quite slow और उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था. इसी वजह से the Supreme Court has intervened in the same और उन्होंने कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाई that comprised of 3 IPS officers and Justice राकेश कुमार जैन, जिनको उनका हेड बनाया उस कमेटी का. सो अभी अभी उस SIT that is स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा बताया गया कि ये जो पूरा केस जो हुआ लखीमपुर खीरी वाला दैट वाज ए प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, मतलब वो जानबूझ के किया गया, ऐसा बताया गया कहाँ पर SIT ने कोर्ट में. उसी के बाद एज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि भी जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट है दैट हैज बीन गोइंग ऑन और पहले भी यहाँ पर विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं इस मुद्दे की लखीमपुर खीरी जो इंसिडेंट हुआ उसकी कहीं ना कहीं चर्चा थी और उसी को देखते हुए यहाँ पर अपोजिशन ने बात की थी और सरकार को घेरा था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है अजय मिश्रा उनको कहीं ना कहीं रिजाइन कर देना चाहिए. सो अभी क्या अपडेट आया कि जैसे ही SIT ने ये चीज़ कंक्लूड करी या जानकारी आई यहाँ पर बाहर कि वो पूरा एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था, तो यस्टरडे ओनली अपोजिशन ने जो लोकसभा है उसमें कहीं ना कहीं वापस से वही उसी मुद्दे को उठाया और उसी को देखते हुए जो लोकसभा है उसकी जो कार्रवाई है उसको स्थगित भी करनी पड़ी और उसी के साथ साथ वहां पर प्रॉपर डिबेट नहीं हो सकी क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ऐसा चाहती थी जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं बात हो, बट जो अपोजिशन है दैट वर एडमेंट दैट दे फर्स्ट दे वांट टू टॉक अबाउट दिस सैकिंग ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर अजय मिश्रा, राइट. सो जो अपोजिशन के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी है राज्यसभा, लीडर ऑफ राज्यसभा मिस्टर पीयूष गोयल, और उन्होंने लोकसभा में भी इसकी कहीं ना कहीं बात करी कि वी आर रेडी टू टॉक on issues, but kahin na kahin the opposition is adamant that they want to talk first on this issue. So after the question hour then we are ready to talk on this issue, but kahin na kahin for the time being we are not you know taking steps for the same as well. So यहाँ पर हमें पता होना चाहिए लखीमपुर खीरी इंसिडेंट क्या है और इसके बारे में हमारे पास नोट्स होने चाहिए. Then on the right hand side of this news, cabinet clears push to raise marriage age of women from 18 to 21. So अभी क्या किया गया, ऑलरेडी इसकी जानकारी लास्ट ईयर 2020 इंडिपेंडेंस डे पे जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब एड्रेस कर रहे थे नेशन को तब उन्होंने बताया था कि वुमेन्स की जो एज है अभी तक मैरिज की जिसको कहीं ना कहीं 18 एज एटलीस्ट मिनिमम 18 उनको बताया गया था कि आफ्टर 18 यू आर एलिजिबल टू गेट मैरिड, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ाने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की गई है और 18 से उसको इंक्रीज करके 21 करने की यहाँ पर बात है और ऐसा ऑलरेडी सरकार ने जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके बारे में ऑलरेडी इसके बारे में हिंट किया था और इसके देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द सेम एज वेल. कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन की बात है कि जो फीमेल एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, प्लस अभी अभी हमने जो NFHS का सर्वे देखा था दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th जो अभी आया था phase 1 और phase 2, उसके भी हमारे पास 360 डिग्री एनालिसिस नोट्स होने चाहिए. सो यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है कि कैबिनेट ने कहीं ना कहीं इसको क्लियर किया है कि 18 to 21। और अभी जो एनएफएचएस का सर्वे था जिसमें ऐसा बताया गया था कि टोटल जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कहीं ना कहीं दैट इज 2.0 और वो एक अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल की यहाँ पर बात की गई है। सो उसी को देखते हुए द गवर्नमेंट हैज इज टेकिंग स्टेप्स सो दैट जो एज है वुमेन्स की फॉर मैरिज उसको 18 से कहीं ना कहीं 21 करने की यहाँ पर बात। देन ये बार बार हम न्यूज में देख रहे थे कि कोहली स्पीक्स अप आई वाज नेवर टोल्ड टू स्टे बैक एज टी20 टीम कैप्टन। सो बेसिकली यहाँ पर इंसिडेंट क्या हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया बट थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि अभी भी रिसेंटली मंथ बैक जो विराट कोहली है जो हमारे कैप्टन है इंडियन टेस्ट टीम के, उन्होंने टी20 से कहीं ना कहीं रिजाइन किया था कि टी20 कैप्टनशिप से रिजाइन किया था। तो उसी के बाद रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया था। बट अभी अभी यहाँ पर जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है मिस्टर सौरव गांगुली, उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था कि हमने उनको रोका था विराट कोहली को टू रिजाइन फ्रॉम दिस कैप्टनशिप ऑफ टी20। बट यहाँ पर उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए जो विराट कोहली है उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि जैसे ही मैंने प्रपोजल दिया कि मैं जो टेस्ट की टी20 कैप्टनशिप छोड़ना चाहता हूँ, उसको हाथों हाथ उसी समय कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंगली कहीं ना कहीं वहां पर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी वजह से पूरा टसल चल रहा है बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में। देन शौर्य चक्र वरुण सिंह लोन सर्वाइवर ऑफ चॉपर क्रैश डाइज। सो जो इंसिडेंट हुआ था ऑन 8th of December तमिलनाडु में विच हैड लेड टू द डेथ ऑफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत एंड हिज वाइफ श्रीमती मधुलिका रावत और अदर 11 आर्मी पर्सनल्स वर देयर। तो उसमें जो पूरा इंसिडेंट था उसमें देयर वाज अ लोन सर्वाइवर टिल द टाइम दैट वाज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो जिनको शौर्य चक्र भी मिला था। अभी अभी जो उनकी न्यूज आई है कि उनकी भी डेथ कहीं ना कहीं हो गई है बिकॉज उनकी जो बॉडी थी दैट वाज हेवीली बर्न्ड और उनका जो ट्रीटमेंट है दैट वाज अंडरगोइंग एट बेंगलुरु, राइट। बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट उनकी भी कहीं ना कहीं इस पूरे इंसिडेंट में डेथ हो गई। तो ओवरऑल जो 14 आर्मी पर्सनल्स दोज हु वर पार्ट ऑफ दैट चॉपर, सो वहां पर उसमें सभी 14 के 14 जो आर्मी पर्सनल्स थे उनकी डेथ उस इंसिडेंट में हो गई है। Then, as we can see in the photograph as well, President Ramnath Kovind pays homage to Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Mujibur Rahman से रिलेटेड, गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड हमने क्लैट 2021 में एक पैसेज देखा था जीके में। यहाँ पूछा गया था शेख मुजीबुर रहमान के बारे में और गांधी पीस प्राइज 2020 में किसको मिला, 2014 में किसको मिला, डेट में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फर्दर एलेबोरेशन है यहाँ पर, इसको स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, दिस इज द सिटी पार्ट। सिटी पार्ट हम जनरली स्किप करते हैं बट यहाँ पे दिस न्यूज इज अबाउट दैट द फार्मर्स आर हैव स्टार्टेड लीविंग और दे हैव ऑलमोस्ट क्लियर्ड ऑल द स्पेसेस व्हिच दे हैड ऑक्यूपाइड एट गाजीपुर बॉर्डर एंड सिंगू बॉर्डर एज वेल एंड टिकरी बॉर्डर एज वेल। सो एज वी कैन सी इन द फोटोग्राफ एज वेल। देन यहाँ पे जो न्यूज है बॉट बाय गवर्नमेंट 2 years अगो, ये कम्प्लीटली सिटी है बट यहाँ पर इस न्यूज में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है दैट इज एमपी लैड स्कीम के बारे में, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, एक वन लाइनर एमसीक्यू हमारे से पूछा जा सकता है एलेट और अदर एंट्रेंस एग्जाम में। तो एमपी लैड स्कीम क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है, हर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको लोकल एरिया डेवलपमेंट, मतलब एज द नेम सजेस्ट एज द फुल फॉर्म दैट उनको 5 करोड़ ईच, मतलब हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ का पेमेंट किया जाता है ताकि वो लोकल एरिया में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करा सके हर वर्ष। बट जो COVID-19 पेंडेमिक जब से वी हैव एनकाउंटर्ड फ्रॉम March 2020, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो पैसा दिया जाता था सेंटर के द्वारा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 5 करोड़ ईच, उसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया था। बट रिसेंटली जो श्री अनुराग ठाकुर है जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे आईएनबी के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, कि उन्होंने जानकारी दी थी कि वी आर अगेन रिज्यूमिंग दिस एमपी लैड स्कीम बट जो अमाउंट है वो 5 करोड़ से कम करके उसको 2 करोड़ कर दिया गया है। सो बिल्कुल एमपी लैड स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कब इनिशिएट हुई, कब स्टार्ट हुई। और ये जो भी अपने डिस्कशन किया कि पेमेंट मतलब रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 5 करोड़ टू 2 करोड़, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। Then apologize first. Government sticks to stand on opposition demand for revoking suspension. इसके बारे में बहुत बार हमने डिस्कशन कर लिया है. Entirely political है, बट कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन है कि राज्यसभा अच्छे से नहीं चल पा रही है बिकॉज सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 12 MPs, और उसी को देखते हुए जो अपोजिशन है, द होल अपोजिशन इज यूनाइटेड और द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि ऑल द 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड अपोलोजाइज. बट ऐसा जो अपोजिशन के नेता है, जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो उनके साथ दूसरे अपोजिशन के नेता दूसरे खड़े हैं, उनका ऐसा मानना है कि वी वोंट अपोलोजाइज और दीज 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अपोलोजाइज. देन कैबिनेट क्लियर्स आधार वोटर आईडी लिंकिंग. सो अभी अभी जो यूनियन कैबिनेट है उसने आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की गई है. प्लस स्पेशली यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल. और इसी के बारे में ऑलरेडी सरकार ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम, जो इसकी कमेटी है उसमें, कि आधार और वोटर आईडी को कहीं ना कहीं लिंक करने की बात है. एंड नाउ फाइनली द कैबिनेट, द यूनियन कैबिनेट हैज फाइनली क्लियर्ड दिस थिंग. और इसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन है उसने ऑलरेडी लॉ मिनिस्ट्री को इसके बारे में हिंट किया था कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, और बिल्कुल द गवर्नमेंट हैज वर्कड अपॉन द सेम, और इसी के द्वारा जो कि आधार और वोटर आईडी को यहाँ पर लिंक करने की बात की गई. इसको पढ़ सकते हैं, पूरा स्टेट न्यूज है. 27% ऑफ ओबीसी कोटा, महाराष्ट्र की यहाँ पर बात की गई है. प्लस हमने कास्ट बेस्ड सेंसस भी बिहार में पढ़ा था, राइट, तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल. Then investigative journalism vanishing, everything in our garden appears rosy, says C.J. Ramanna. So C.J. Ramanna और Honorable Chief Justice of India, right? So उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, जैसे जिस तरीके से पहले की अगर सरकारों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता था कि समय समय पर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ मीडिया में न्यूज़ आई है कि कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया गया, या कुछ उसी को देखते हुए कुछ स्कैंडल्स हुए, स्कैम्स हुए. बट पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ देखने को नहीं आया. तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो मीडिया है या जर्नलिज्म है, या उसके रोल को कहीं ना कहीं यहाँ पर सीजे रमन्ना ने कहीं ना कहीं उसके बारे में बात की है कि एवरीथिंग इन आवर गार्डन अपीयर्स रोजी. दैट मीन्स कि जो चीज़ चल रही है सब यहाँ पे मीडिया में ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ अगर एक्चुअल में स्कैंडल्स या ऐसा कुछ हो भी रहा है, स्कैम्स, तो उसका रिविलेशन या वो चीज़ बाहर यहाँ पर नहीं आ रही है. तो उसी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया है, और उसी के बारे में यहाँ पर सीजे रमन्ना ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है. Then Minister of State Mishra calls journalist crooks, pushes reporter. So यहाँ पर Union Minister of State for Home Affairs अजय मिश्रा की बात की गई है, जिनका बेटा whose son is already detained for this लखीमपुर खीरी इंसिडेंट. सो उनसे जब बार बार क्वेश्चन पूछा गया बाय रिपोर्टर्स, तो उसी की वजह से जो he has used some abusive language, और कहीं ना कहीं as we can see in the photograph as well कि उन दोनों के बीच में एक तरह से स्कफल या कह सकते टसल वहाँ पर देखने को मिली. He got a bit aggressive, Mr. Mishra. चलिए इसको स्किप कर सकते हैं. Yes. So now we'll discuss the first editorial. The first editorial is that is Hindus after Hindutva. Don't expect the metaphysical project of defining a true Hindu to bell the political cat of building a decent society. So अभी भी हमने देखा था कि हिंदुत्व बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी आ रही थी, और स्पेशली जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कल भी कि जो श्री राहुल गांधी है जिन्होंने who was addressing a massive rally in Jaipur in Rajasthan against the union government regarding inflation and price rise. So उसी को देखते हुए वहाँ पे उन्होंने बात की थी कि हिंदू और हिंदुत्व में एक डिफरेंस होता है. और नेक्स्ट डे वी हैव सीन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड इनॉग्रेटेड काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर. तो वहाँ पे द होल स्पीच ऑफ पीएम मोदी, उसमें कुछ कुछ पार्ट ऐसा था दैट वाज लिंकिंग टू द सेम अबाउट हिंदू एंड हिंदुत्व, जहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी प्लस रिलीजियस प्लेसेस का अपलिफ्टमेंट और उनके मेंटेनेंस की यहाँ पर बात की. सो यहाँ पर भी ऑथर ने पूरा उसी लाइंस पे कहीं ना कहीं बात की गई है. और इनिशियली ही हैड स्टार्टेड विद दिस हिंदू एंड हिंदूवादी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया कांग्रेस एमपी ने उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी. प्लस यहाँ पर ऑथर ने भी हिंदू और हिंदुत्व में क्या डिफरेंस होता है, या थ्रू श्लोक्स, रामायण के श्लोक्स या एग्जाम्पल्स ऑफ of people like Mr. Gandhi, Mr. Godse and जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल साइट किया और उसी के बारे में इस पूरे एडिटोरियल को कहीं ना कहीं लिखा, प्लस उन्होंने कुछ एग्जाम्पल साइट किए। एग्जाम्पल स्पेशली जो हम गुड़गांव में देख रहे हैं कि वहाँ पर एक सेक्टर में जो ओपनली नमाज की जाती है और उसको अपोज भी किया गया और इवन हरियाणा के सीएम ने भी उसमें स्टेटमेंट दिया। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करते हुए ऑथर ने मतलब इन दिस होल एडिटोरियल ट्राई टू लिंक्ड रिलीजियस सेंटिमेंट और या हिंदुत्व की बात करते हुए, प्लस जो रामायण की यहाँ पर लिंक किया, प्लस शिव तांडव की यहाँ पर बात की। तो उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक ऑथर के द्वारा किया गया है। देन second editorial, they looked just like us, memories from another December, another India 50 years ago. So 16th of December को जो विजय दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश के द्वारा, और उसी में हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है ही इज ऑन अ 3-day विजिट टू बांग्लादेश एज वेल। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑथर ने जो 1971 में जो वॉर हुई थी और जिसमें पाकिस्तान गॉट डिफीटेड और उसमें इंडियन सोल्जर्स ने हेल्प की थी और फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। सो यहाँ पे ऑथर ने वही बात की है कि जो पूरा इंसिडेंट है और जो उधमपुर एयरबेस है और वहीं पे द ऑथर वाज देयर एंड फिर उन्होंने कहीं ना कहीं उसको लिंक किया कि एट द टाइम शी वाज इन स्कूल और जब एकदम से वहाँ पर एयर स्ट्राइक की कहीं ना कहीं बात होती थी। अगर सिंगल बुलेट वाज फायर्ड देन वी नीड टू हाइड समवेयर, बट अगर एक और बुलेट वहाँ पर ओपन फायर की जाती सो दैट थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल। सो उन्होंने कहीं ना कहीं जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है 50 ईयर्स अगो व्हाट हैड हैपेंड उसी के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी है। प्लस व्हेन शी हैड मेट अ वांडेड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान as well at hospital, so that's why जो editorial है उसका जो कह सकते हैं टाइटल है that look just like us। तो यहाँ पर वो पाकिस्तानी नेशनल है जिनको यहाँ पर डिटेल किया गया था या वाउंड किया गया था। Then December 16, 1971, I already told you जो विजय दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश में और उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और द आइडिया ऑफ बांग्लादेश नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड फॉर इट्स सोशल इकोनॉमिक सक्सेस एंड इट्स रेलीगेशन ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। सो यहाँ पर बांग्लादेश को 50 ईयर्स हो गए और यहाँ पर ऑथर ने इन दिस पर्टिकुलर ओपिनियन बात की कि किस तरीके से ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, इन टर्म्स ऑफ इवन द ऑथर इज कंपेयर्ड विथ रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान से कहीं ना कहीं बांग्लादेश बना था। बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अभी अभी हमने देखा था कि डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में बांग्लादेश को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लिया गया। सो दैट्स ऑल्सो ए लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर बांग्लादेश एज वेल। सो उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरा ऑथर ने बताया, प्लस इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट था, जो रोल था 1971 वॉर में, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया गया है। Then mind the risk, इसको पढ़ सकते हैं। New RBI framework for monitoring NBFCs, non-banking finance companies will help restore their financial health, limit fallout on larger financial system. This is whole related to economy। जो भी NBFC में कहीं ना कहीं RBI जो एपिक इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ पे, उन्होंने जो कह सकते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो चेंजेस फ्रेमवर्क में किए थे यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने बात की है। प्लस कहीं ना कहीं जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑथर ने बात करी, विच इज ए बाई मंथली कमेटी विच इज ए कमेटी विच सिट्स बाई मंथली, मतलब हर 2 महीने में दैट कमेटी सिट्स, राइट। देन इसको पढ़ सकते हैं द राइज ऑफ ए नेशन, बिकॉज जो हमने फर्स्ट ओपिनियन पढ़ा कहीं ना कहीं बांग्लादेश के डेवलपमेंट की या इकोनॉमिक पाथ, इकोनॉमिक रिकवरी, ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन द पास्ट 50 ईयर्स, हाउ दे डेवलप्ड, हाउ द थिंग्स हैव गॉट चेंज्ड, राइट। सो उसी के बारे में यहाँ पर ऑथर ने बात की, द राइज ऑफ ए नेशन, टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश ओनली। Then on the world section, UK reports record daily COVID cases amid Omicron spread. So UK में अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट, इस नए वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो अभी सबसे ज्यादा केसेस हमने देखा था कि दिस वेरिएंट विच इज क्वाइट डेडली और विच हैड स्टार्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हांगकॉन्ग एंड बोत्सवाना, और अभी काफी देशों में नियर मोर देन 60 कंट्रीज ओमिक्रॉन के केसेस कहीं ना कहीं हमको देखने को मिले। सो यहाँ पर यूके ने रिपोर्ट किए डेली केसेस और अगर देखा जाए तो नियरली 78,000 केसेस पर डे दे हैव एनकाउंटर्ड, और अगर ऐसा देखा जाए तो दैट आर मोर 10,000 more if they compare it to this month in the first half, मतलब जनवरी 8 को वहाँ पर कहीं ना कहीं nearly 68,000 केसेज रिपोर्ट हुए थे, बट यहाँ पर अभी 78,000 पर डे। उसी को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के मिस्टर बोरिस जॉनसन, उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं झेलने को मिल रहा है। और प्लस एडिक्वेट वैक्सीनेशन पे इतना समय तक जोर नहीं दिया गया, प्लस पीपल वर हैविंग वैक्सीन हेजिटेंसी एज वेल, वेरन दे वर हेजिटेंट इनफ टू नॉट गेट वैक्सीनेटेड और इनोकुलेटेड. सो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग और कहीं ना कहीं पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर. बट यहाँ पर जो वहाँ गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट है, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहा है. देन On the right hand side of this news, Putin, Xi Jinping show united front amid tensions with West. ये हमारे लिए बहुत important हो जाता है. The idea is अभी हमने देखा था कि US, China और Russia तीनों देशों के बीच में relations they are soaring और especially अलग अलग disputes हमको देखने को मिले. Especially US और Russia की बात करते हैं तो अभी जो Ukraine वाला issue देखा जहाँ पर Russian troops बहुत ज़्यादा deploy किए गए, उसके बाद यूएस को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ा. प्लस चाइना के साथ तो कंटिन्यूस टसल उनके बीच में चल ही रहा है यूएस के बीच में, प्लस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स. तो अभी यूएस की अगर स्थिति देखते हैं तो काफ़ी फ्रंट पे और स्पेशली अभी हमने देखा था कि चाइना में जो बीजिंग ओलंपिक्स विच आर गेटिंग स्टार्टेड, विंटर ओलंपिक्स फ्रॉम 4 फरवरी, वहाँ पे भी यूएस ने ऑलरेडी उसको बॉयकॉट कर लिया. सो यहाँ पर वही बात की गई है कि पुतिन और शी जिनपिंग जो दोनों प्रेसिडेंट हैं रशिया और चाइना के रेस्पेक्टिवली, उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की है और उन्होंने एक दूसरे को सच्चा दोस्त, डियर फ्रेंड, उसके बारे में यहाँ पर बात की है. और जो द सेम थिंग दिस हैज हैपेंड वाइस वर्सा, वेयर इन बोथ हैव सेड द सेम थिंग, राइट. सो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, स्पेशली यूएस के कंसर्न में अगर देखा जाए तो बात की गई है कि मिस्टर पुतिन और शी जिनपिंग के बारे में कि किस तरीके से फ्यूचर एक्शंस. और अगर यहाँ पे बात की जाए कि किन किन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बॉयकॉट किया है, और इट शुड बी नोटेड दैट जो वहाँ पर बॉयकॉट हुआ है जहाँ पर रिगार्डिंग बीजिंग ओलंपिक्स 22, तो वहाँ पे डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हुआ है. वहाँ पर प्लेयर्स विल बी गोइंग, मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है दे विल नॉट बी गोइंग, दे विल बी गोइंग. बट जो लोग यहाँ पर हैं, मतलब डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स जो हमेशा से जाते हैं कि कोई भी ओलंपिक से बड़ा इवेंट होता है, वो इन देशों से नहीं जा रहे हैं, स्पेशली यूएस से. बट एंड द सेम थिंग हैज बीन फॉलोड बाय कनाडा एज वेल, देन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, देन यूके एज वेल. बट रशिया की अगर यहाँ पे बात करते हैं, रशिया ने उसके लिए ऑलरेडी एसेंट भर दिए कि दे विल बी सेंडिंग देयर प्लेयर्स एंड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स टू चाइना. देन ईरान टू अलाउ न्यू यूएन कैमरा एट न्यूक्लियर साइट. तो यहाँ पर हमारे लिए ईरान न्यूक्लियर डील एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और उसी के अंडर में हमें IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है. एक इट इज एन इंटरनेशनल वॉच डॉग, राइट. सो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. और अभी अभी जो हमारे GC मुर्मू है, इट्स बीन मोर देन अ मंथ, उनको वहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया था IAEA में. सो ईरान टू अलाउ न्यू UN कैमराज एट न्यूक्लियर साइट. सो जो बातचीत है वियना ऑस्ट्रिया में वापस से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी है कि क्या व्हाट विल द फ्यूचर फेज ऑफ एक्शन, बिकॉज जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको कहीं ना कहीं अभी एक पूर्ण विराम लग गया है, बिकॉज US एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने ही हैड विड्रॉन फ्रॉम द सेम. उनके द्वारा जो सैंक्शंस थे या ओवरऑल फंक्शनिंग थी या ओवरऑल फ्रेमवर्क था दोनों के बीच में, ईरान न्यूक्लियर टॉक्स या जो डील थी, वो कहीं ना कहीं दैट वाज नॉट राइट. बट जो अभी नए प्रेसिडेंट आए मिस्टर जो बाइडन, उन्होंने ऐसा हिंट किया था कि वी आर रेडी टू सेट एंड टेक एक्शंस, कि इस पर वापस से बात होनी चाहिए, बट विथ मोर करेक्टिव मेजर्स, मतलब और हार्श मेजर्स वहाँ पर लेने की बात है. बट इसको क्योंकि ईरान में भी वहाँ पर सरकार चेंज हुई तो वहाँ पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपोज किया. और अभी तक बोथ द कंट्रीज, इसमें P5+1 नेशन इन्वॉल्व थे, तो दे not able to come to consensus कि क्या करना चाहिए, क्या ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से रिज्यूम करना चाहिए. Then हामिद करजाई says invited तालिबान to stop chaos. So यहाँ पर एक अपडेट है जो फॉर्मर अफगानिस्तान प्रेसिडेंट थे हामिद करजाई के द्वारा, और ये इसको बिल्कुल एक बार पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पर बात की है जो उस समय प्रेसिडेंट थे श्री अशरफ गनी, उनकी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की गई है. और जो पूरा इंसिडेंट हुआ 14 अगस्त को, देन 15 अगस्त को, दैट वे. देन द नोबेल पीस प्राइज दैट पेव्ड वे फॉर वॉर इन इथोपिया. सो इथोपिया की यहाँ पर बात की गई है. इथोपिया में वी शुड बी अवेयर ऑफ कि एक तिग्रे रीजन है जिसमें इथोपिया जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका में, और इथोपिया वहाँ पे एक तिग्रे एक रीजन है एट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सेम. तो वहाँ पे टसल चल रही है और इट्स बीन नियरली ईयर की दिस टसल हैज बीन गोइंग ऑन। और वहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग इथोपिया की, तो 2018 में अबे अहमद जो है उनको प्रेसिडेंट वहाँ का घोषित किया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और उसी के बाद हमने देखा था कि 2019 में उनको नोबेल पीस प्राइज भी कहीं ना कहीं मिला। और देन जो टिग्रे रीजन है, उन्होंने जैसे ही एवर सिंस ही केम टू पावर, जो टिग्रे रीजन के जो पीपल थे उनका जो कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट में, उनको कहीं ना कहीं कम करते गए। और इसी की वजह से वो साइडलाइन होते गए और वो अपोज कर रहे थे पूरे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को। सो अभी हमने देखा था बहुत ज़्यादा अपडेट बीच में कहीं ना कहीं देयर वाज अ स्टॉपेज, बट अगेन द थिंग्स आर गेटिंग more thinner between both these people, right? So both the community and the government. So कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो अबे अहमद है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसा हिंट भी किया था कि द सिविलियन शुड बी रेडी फॉर एनी वॉर लाइक सिचुएशन। और ऑलरेडी उनके द्वारा जो एक रीजन है उसको ऑक्यूपाई किया था, उसको वापस से कैप्चर कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो एक कंटिन्यूस टसल वहाँ पर चल रहा है। एक इंटरनेशनल कह सकते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ है, और इंटरनेशनल न्यूज़ हमेशा से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रही है, दो इसमें इंडिया का कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। Then explained, the first explained is Ladakh and the sixth schedule. So अभी भी जो लद्दाख के जो MP है, who belongs to BJP as well, जैम्यांग तसेरिंग नामग्याल, जो इन्होंने ऐसा साइड किया है कि सिक्स शेड्यूल जो है उसको कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाए। आई कैन सी योर कमेंट्स, आई विल आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लद्दाख इन द सिक्स शेड्यूल, अगर यहाँ पे बात की जाए तो लद्दाख में अभी सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है कि जो लेजिस्लेचर है, दैट इज जो इलेक्शंस है, वहाँ पर उसकी कोई बात नहीं। बट स्पेशली जब स्प्लिट हुआ था फ्रॉम August 5, 2019, जब आर्टिकल 370 to 35A का रिवोकेशन हुआ था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गया था, तो लद्दाख पीपल वर क्वाइट हैप्पी, बिकॉज अभी तक उनके द्वारा देखा गया था कि जो डेवलपमेंट है या फंड्स है उस पर जो सेंटर है किसी भी सरकार का, दैट वाज मोर, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर, दे नेग्लेक्ट लद्दाख। But ever since this thing has happened on 5th of August 2019, wherein after the revocation of Article 317, 35A, दोनों split हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सरकार के द्वारा ऐसा बताया गया कि जम्मू कश्मीर में तो हम लोग विल फॉलो लेजिस्लेचर, मतलब प्रॉपर इलेक्शंस विल हेल्ड एंड सब चीज होगी, बट लद्दाख में वो चीज नहीं होगी, उसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो अभी भी जो सिक्स शेड्यूल है उसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की है लद्दाख के MP ने। और सिक्स शेड्यूल क्या होता है, इसके क्या फायदे रहते हैं, बेसिकली ऑटोनोमस काउंसिल्स वहाँ पर बनाई जाती है, ADCs बोलते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एंड दे वर्क। और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है इट इज 30 ऐसी काउंसिल बनाई जा सकती है। और इसका एक्सेप्शन है एकमात्र आसाम, ये हमें पता होना चाहिए। और स्पेशली अभी तक सिक्स शेड्यूल कहाँ पे एप्लीकेबल है, हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा, यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। It applies to Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. और Assam is the exception for the same as well, जैसा मैंने आपको बताया, Assam is exception. So यहाँ पर उनके द्वारा इसकी मांग की गई है कि जो MP है BJP के, कि सिक्स शेड्यूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके बारे में पहले भी उन्होंने डिफरेंट फोरम्स पे इसकी बात की थी, और अभी अभी वहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी किया गया लद्दाख में इसी को देखते हुए कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनकी पावर्स बढ़ाई जाए, और उनके पास काफ़ी सारे पावर्स बढ़े जाते हैं लोकली, सो दैट डेवलपमेंट में वहाँ पर काम किया जा सके। सो उसी को देखते हुए, और प्लस जो गवर्नमेंट है उनका स्टैंड क्लियर था कि उन्होंने पहला बोला था कि वी आर optimistic regarding the same and will tell you when the right time comes कि क्या करना है, whether will be including this Ladakh region under sixth schedule or not. So एक बहुत अच्छा explained है, हमें बिल्कुल इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। Then when veg is not non-veg, what Delhi High Court said, इसको पढ़ सकते हैं, लीगल अपडेट है। स्पेशली वेज नॉन वेज का इशू हमने स्पेशली अहमदाबाद के कंटेक्स्ट में देखा था, जब अहमदाबाद, भावनगर, गुजरात, सॉरी राजकोट में जो है नॉनवेज को कहीं ना कहीं बैन करने की यहाँ पर बात की थी। देन इकोनॉमी सेक्शन पे आ जाते हैं। इकोनॉमी सेक्शन पे फर्स्ट इज नीड फॉर डेलिब्रेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज पे में डीले क्रिप्टो PDP बिल्स। सो क्रिप्टो करेंसी विच इज़ द न्यू नॉर्मल, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में न्यूज़ में भी था और हाइप भी था, और उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और पहले देखा गया था कि लोकसभा, राज्यसभा में इसके बारे में बिल होगा, और क्लियरली इस पर क्या फॉर्मेलिटीज है, दे आर डिलेइंग, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसके बारे में तो स्टैंड दे दिया है कि जो प्राइवेट कंपनीज है दे विल नॉट बी अलाउड बट विद सर्टेन एग्जेम्पशंस। बट ऐसा माना जा रहा है कि जो अपकमिंग बजट सेशन आएगा उसका सेकंड फेज रहेगा, वहां पे till the time government will be having time of nearly 2 months jahan pe they'll get to know more details regarding cryptocurrency and clarity of the same। But agar cryptocurrency ki baat karte hain, is news mein hi bataya gaya कि ऑलरेडी आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने ऑलरेडी हिंट किया है, कॉशन किया है इन्वेस्टर्स को रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। और उसी के पहले सिडनी डायलॉग में भी और प्राइम मिनिस्टर ने एक अलग से एक मीटिंग भी हेल्ड करी थी रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। देन आउटलुक रिमेन्स अपबीट सेज आरबीआई। सो आरबीआई के द्वारा अभी बताया गया, अपबीट का मतलब तरह से कह सकते हैं अपन ऑप्टिमिस्टिक, या जो चीज चल रही है वैसे ही घट रही है, उसी के बारे में बात की गई है। और प्लस हमने देखा था कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया की साइड से पैसा निकाल लिया था, कम कर लिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट भी एक कंसर्न था। प्लस एक तरह से देयर मे बी सिचुएशन ऑफ बबल बस्ट, सो ऑल दीज थिंग्स वर इन न्यूज। बट कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव शोन इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। और उसी को देखते हुए वी आर now seeing ki Sensex is still doing good, Sensex and Nifty, both the stock exchanges are doing great। So here we ends the discussion of the Indian Express. Now we'll move forward to the Hindu. Just give me a second. Chaliye, so the first news is this news we had not seen in the Indian Express. The first news is cabinet approves ₹676,000, yes, cabinet approves ₹76,000 crore push for semiconductor makers. So under आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करते हैं, the government is coming up with a lot of reforms। So उसी में अभी हमने देखा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में PLI स्कीम, प्रोडक्शन PLI स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, गवर्नमेंट हैज कम अप विद नियरली अ मंथ एंड हाफ बैक। सो अभी जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने क्या अप्रूवल किया है, 76,000 crore का अमाउंट उसको कहीं ना कहीं अप्रूव किया है। और किसके लिए, सेमी कंडक्टर मेकर्स के लिए। सो मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर बात की गई, इंडिजीनियस यहाँ पर बनने की बात की गई, और स्पेशली कौन से सेक्टर में दिस विल हेल्प, दिस विल बेसिकली हेल्प इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में। इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल या कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। और अभी अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, वी आर क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन आवर इम्पोर्ट्स। बट दिस amount injected by the government will help our domestic producers, domestic manufacturers, right? So in order to become indigenous, then post on the right hand side of this news, post SIT report opposition seeks Ajay Mishra's ouster। So यहाँ पे SIT की जो रिपोर्ट आई है और उनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि ये जो पूरा इंसिडेंट था दैट वाज प्लान्ड और इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, जो लखीमपुर खीरी में हुआ। और एज वी कैन सी इन द फोटोग्राफ एज वेल, यूनियन मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा ही इज आर्ग्यूइंग विद रिपोर्टर्स। सो उसी के बारे में यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की गई। और अपोजिशन ने लोकसभा में भी इसकी कहीं ना कहीं बात की है कि जो यूनियन मिनिस्टर है उनको कहीं ना कहीं सैक किया जाए या उनको निकाल दिया जाए। Then lone survivor of IAF chopper crash passes away। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि 8 दिसंबर को जो इंसिडेंट हुआ और जिसमें जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत जी जिनकी डेथ हो गई, और उसी के बाद along with them 11 अदर आर्मी पर्सनल्स। और उसमें लोन सर्वाइवर थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह who was there और उनका ट्रीटमेंट बेंगलोर में हो रहा था। तो अभी भी yesterday only he also passed away। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोम्मई होल्ड्स मीट ऑन एंटी कन्वर्जन बिल। सो यहाँ पर जो सीएम है कर्नाटका के श्री बसवराज बोम्मई, उनके द्वारा ऑलरेडी लगभग पिछले हफ्ते भर से वी आर सीइंग दैट इन द न्यूज़पेपर, डिफरेंट न्यूज़पेपर देवर हिंट द गवर्नमेंट वाज हिंटिंग दैट दे विल बी वर्किंग टुवर्ड्स एंटी कन्वर्जन बिल। एंटी कन्वर्जन बिल हमने पहले उत्तर प्रदेश में देखा था, देन मध्य प्रदेश में भी इसकी बात थी, गुजरात में बात थी। और अभी कर्नाटका गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट इज क्वाइट वोकल दैट दे विल बी हैविंग मीटिंग रिगार्डिंग एंटी कन्वर्जन। और जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली की कहीं ना कहीं मीटिंग होगी या जब असेंबली हेल्ड होगी तो वहां पर इसके अंडर एंटी कन्वर्जन बिल पे वहां पर सदन में इस पे बातचीत होगी। एंड द गवर्नमेंट इज क्वाइट अग्रेसिव फॉर द सेम एज वेल। बट जो अपोजिशन है स्पेशली जेडीएस, दे आर अपोजिंग और दे आर ऑफ द ओपिनियन कि इस पे हमारा कहीं ना कहीं एसेंट यहाँ पर सरकार ने नहीं लिया। सो इन टाइम्स टू कम विल सी मोर क्लैरिटी। देन एडिटोरियल फर्स्ट, अ फॉल्स कॉन्फ्लेशन बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट्स। सो विल बी फ्यूचर लॉयर्स, एक बहुत अच्छे से वेल रिटन एडिटोरियल, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑथर ने डिफरेंस बताया बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज और किस तरीके से इनको इंटरचेंज किया जाता है। और उन्होंने ऑथर ने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं साइट किए और उसी की तरह इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया है। सो बीइंग अ फ्यूचर लॉयर्स, इस एडिटोरियल को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात की गई है रिगार्डिंग पेइंग ऑफ टोल टैक्स, और जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 51 ए जब इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पर पुराना भी कहीं न कहीं यहाँ पर बात की गई है। सो वेल रिटन एडिटोरियल, यू मस्ट रीड इट। देन सेकेंड एडिटोरियल, अ थॉर्न इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस। यहाँ पर जो 1971 की जो वॉर हुई थी उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और इसमें बांग्लादेश वॉज विक्टोरियस, प्लस बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हुए और बांग्लादेश किस तरीके से आगे बढ़ा। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर ने किया कि आज तक भी जो पाकिस्तान की साइड है उनकी साइड से जो इतनी मास किलिंग हुई, इतनी डेथ्स हुई बांग्लादेश में, उसके लिए अपोलॉजी नहीं मांगी। और परवेज मुशर्रफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ही ऑल्सो विजिटेड बांग्लादेश एज वेल, बट उन्होंने भी इसके ऊपर अपोलॉजी सीख नहीं करी। तो उसी सिमिलर लाइंस में यहाँ पर ऑथर ने स्टार्ट किया, और बाद में जो बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुआ और स्पेशली जो मैंने आपको बताया डेवलपिंग कंट्री की बात, तो उसी के बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया। Then first opinion, mixed signals, pandemic imperatives require diversification of supplies, but protectionism is no answer. So herein the author has talked about especially हमने देखा था कि ever since we have encountered this COVID-19 pandemic, so a lot of industries have started shifting, especially from China, or a lot of industries, companies have shifted to Taiwan, और स्पेशली इंडिया में भी लॉट ऑफ कंपनीज हैव शिफ्टेड देयर बेस एज वेल। सो उसी को देखते हुए यहाँ पर बात की गई है, प्लस चाइना को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उसके द्वारा समय समय पर कहीं ना कहीं बात की गई और एडवोकेट किया गया इंडिया को एज ए ग्रेट प्लेस ऑफ वर्किंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। दो वी फेस डिफिकल्टीज इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिटिक्स, आवर ब्यूरोक्रेसी, दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कंट्रीज, लॉट ऑफ कंपनीज एंड इवन सम कंट्रीज एज well, they find it difficult to invest in India because of the political bureaucracy which we are engrossed with. Then securing the young, India must accelerate effort to increase vaccine supply for boosters and for children. So अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनके जो ओनर है, जो हेड है, दैट इज श्री आधार पूनावाला, उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था कि उनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है दैट विल बी फॉर चिल्ड्रंस एजेड 3 to 18, और जो वैक्सीन है दैट विल बी इफेक्टिव और विल बी देयर इन द मार्केट, इट विल टेक टाइम ऑफ नियरली 6 months। सो उसी सिमिलर लाइंस में यहाँ पर ऑथर ने स्टार्ट किया है, और कहीं ना कहीं बात की है कि जो स्कूल्स है दे हैव स्टार्टेड रीओपनिंग, रिज्यूमिंग, और जो चिल्ड्रंस है दैट शुड बी एट हाई प्रायोरिटी, कैसे वी शुड स्टार्ट वैक्सीनेटिंग दोज। और अपार्ट फ्रॉम दिस वैक्सीन, कोवोवैक्स, अदर वैक्सीन आर देयर, जैसे कि जाइकोवीडी प्लस कोवैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा था। सो और प्लस बायोलॉजिकली, सो वी आर हैविंग 3 to 4 वैक्सीन इन द पाइपलाइन, और स्पेशली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, उन्होंने ऑलरेडी हिंट किया था कि इन कमिंग वीक्स विल सी देयर आर 2 to 3 वैक्सीन आर देयर विच आर अंडर ट्रायल्स, बट उन्होंने उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया था यहाँ पर पार्लियामेंट में। देन ₹76,000 crore पुश फॉर सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। अपोजिशन सीक्स अजय मिश्रा आउटस्टर, जो हमने बात करी आउटस्टर, जो उनको सैकिंग की बात की थी, उनको निकालने की बात की गई थी। देन लोन सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, राइट, ये पूरा पॉलिटिकल है, इसको स्किप कर सकते हैं। एंड दिस वी कैन सी इन द फोटोग्राफ एज वेल, आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज विद हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट, बांग्लादेशी प्रेसिडेंट, राइट, both we can see in the photograph as well, Mr. Abdul Hamid, and our president is on a 3-day visit to Bangladesh. Ajay Mishra caught on camera abusing scribes, बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस किया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग फेडिंग सेड बाय सीजीआई, इसके बारे में हमने इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कशन किया था कि जो कंट्रोवर्सीज है या स्कैंडल्स है उनका रिवेलेशन कहीं ना कहीं मीडिया में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। पुतिन शी जिनपिंग सीमेंट पार्टनरशिप इन फेस ऑफ वेस्टर्न प्रेशर, स्पेशली यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट्स है उसकी यहाँ पर बात की गई, प्लस रशिया और यूक्रेन में जो अभी तसल चल रहा है उसकी यहाँ पर बात की गई। Then WHO says jabs may be less effective against Omicron. So ये हमारे लिए this poses a great challenge even for our country as well. Though in terms of vaccination we have done great and we are doing great, but still this vaccine, this variant Omicron, which is quite dangerous and deadly. So WHO के द्वारा ऐसा बताया गया कि even vaccine jabs are less effective, इतनी effective नहीं है. Then US test laser weapon in West Asia. So US के द्वारा USS Portland करके जो है उसका टेस्ट फायरिंग यहाँ पर की गई है in the Gulf of Aden. Then US threatens new measures against Myanmar जनता. So military coup in Myanmar हमने देखा था recently, सूडान में भी देखा था, but वापस से जो कह सकते हैं जो president है उनको कहीं ना कहीं reinstate कर लिया गया था, Mr. Hamdok को. So एक और देश जो इसी साल February 1st को जहाँ पर मिलिट्री कू हुआ, तख्ता पलट हुआ, और US ने कहीं ना कहीं थ्रेटन किया है और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं अगेंस्ट म्यांमार जनता. सो इसके बारे में जो मिस्टर एंटनी ब्लिंकन है जो वहाँ पर यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके द्वारा इसकी जानकारी दी गई है, राइट. सो हियर वी एंड्स द डिस्कशन ऑफ बोथ द न्यूज़पेपर. यस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऑल विल बॉयकॉट. यस, बिल्कुल सही है. इंडिया हैव नॉट रिस्पॉन्डेड. इंडिया विल मोस्ट प्रोबेबली सेंड देयर प्लेयर्स एंड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स एज वेल. सर, इकोनॉमी सेक्शन इंपॉर्टेंट टू रीड. इकोनॉमी सेक्शन पे हमने क्लैट 2020 में एक पैसेज देखा था जीके सेक्शन में, बट अगर कुछ आउट ऑफ द ब्लू होता है तभी हमको करना है. बाकी आप रीड कर सकते हैं, आपको इतना उस पर एम्फेसिस देने की मतलब पढ़ सकते हैं अगर कुछ आउट ऑफ द ब्लू है, बट ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल स्किप करिए, आप उसको पढ़ सकते हैं, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ. जैसे हमने पढ़ा भी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितने मेंबर होते हैं उस कमेटी में, कब स्टार्ट हुई और कौन उसको हेड करता है. तो ये सब चीज़ें प्लस कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमने क्लैट 2020 में भी जो पैसेज देखा था दैट वॉज टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन. बट ऐसा नहीं है कि वी नीड टू गेट ओवर डिपेंडेंट अपॉन इकोनॉमी, बिकॉज 21 में हमको क्लैट में इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पैसेज हमको नहीं मिला था. देन अभी अहमद वॉन नोबेल प्राइज इन 2019, बिल्कुल सही है. TPLF बिल्कुल जो पार्टी है जो वहाँ पर है इथोपिया में. देन सर, डू वी नीड टू मेक नोट्स, बिल्कुल आंसर कर दिया इन 6 months. चलिए, सो दैट्स ऑल from my side. I hope you all are making notes on a daily basis, and if you really want to crack our examination, that is a prerequisite that we need to make notes on a daily basis, so that it will help us in creating a repository before our examination, especially in GA/GK section. So that's all from my side. Thanks for watching.